अहम खबर देंगे आपको। वजारत खजाना की रवा माली साल की पहली सहमाही की मालियाती रिपोर्ट जारी कर दी गई है। पहली सहमाही में बजट खसारा 484 अरब रुपए तक पहुंच गया है। दस्तावेजात के मुताबिक पहली सहमाही के दौरान बजट खसारा GDP का मनफी 1.1% रहा। रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान हुकूमती आमदनी 1478 अरब रुपए रही, जबकि जुलाई से सितंबर तक टैक्स रेवेन्यू 1122 अरब और नॉन टैक्स रेवेन्यू 356 अरब रुपए रहा। जुलाई से सितंबर तक हुकूमती खराजात 1963 अरब रुपए रहे। दस्तावेजात के मुताबिक रवा माली साल की पहली सहमाही में दिफाई बजट 224 अरब रुपए रहा है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वजारत खजाना की रवा माली साल की पहली सहमाही की मालियाती रिपोर्ट जारी कर दी गई। पहली सहमाही में बजट खसारा 484 अरब रुपए तक पहुँच गया है। दस्तावेजात के मुताबिक पहली सहमाही के दौरान बजट खसारा GDP का मनफी 1.1% रहा। रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान हुकूमती आमदनी 1478 अरब रुपए रही। जुलाई से सितंबर तक टैक्स रेवेन्यू 1122 अरब और नॉन टैक्स रेवेन्यू 356 अरब रुपए रहा। जुलाई से सितंबर तक हुकूमती खराजात 1963 अरब से जायद रहे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ उमर हयात। उमर, बताइएगा दस्तावेजात में क्या कुछ दर्ज है? बिल्कुल जी, वजारत खजाना की जानब से रवा माली साल की पहली सहमाही की मालियाती रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी गई है। और रवा माली साल की पहली सहमाही में जो बजट खसारा है वो 484 अरब रुपए तक पहुंच गया है। और पहली सहमाही के दौरान बजट खसारा GDP का मनफी 1.1% रहा। रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान हुकूमती आमदनी जो है वो 1408 अरब और जुलाई से सितंबर जो है वो टैक्स रेवेन्यू 1122 अरब और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 356 अरब रुपए रहा। जुलाई से सितंबर तक हुकूमती अखराजात 1963 अरब रुपए रहे और रवा माली साल की पहली सहमाही में दिफाई बजट जो है वो 224 अरब रुपए रहा। रवा माली साल अब तक जो है वो 1879 अरब रुपए जो है वो सूद की मद में अदायगियों पर खर्च हुए। रवा माली साल अब तक। बहुत शुक्रिया उमर हयात तफसीलात से आगाह करने के लिए। अहम खबर देंगे आपको। वजारत खजाना की रवा माली साल की पहली सहमाही की मालियाती रिपोर्ट जारी कर दी गई है। पहली सहमाही में बजट खसारा 484 अरब रुपए तक पहुंच गया है। दस्तावेजात के मुताबिक पहली सहमाही के दौरान बजट खसारा GDP का मनफी 1.1% रहा। रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान हुकूमती आमदनी 1478 अरब रुपए रही, जबकि जुलाई से सितंबर तक टैक्स रेवेन्यू 1122 अरब और नॉन टैक्स रेवेन्यू 356 अरब रुपए रहा। जुलाई से सितंबर तक हुकूमती खराजात 1963 अरब रुपए रहे। दस्तावेजात के मुताबिक रवा माली साल की पहली सहमाही में दिफाई बजट 224 अरब रुपए रहा है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वजारत खजाना की रवा माली साल की पहली सहमाही की मालियाती रिपोर्ट जारी कर दी गई। पहली सहमाही में बजट खसारा 484 अरब रुपए तक पहुँच गया है। दस्तावेजात के मुताबिक पहली सहमाही के दौरान बजट खसारा GDP का मनफी 1.1% रहा। रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान हुकूमती आमदनी 1478 अरब रुपए रही। जुलाई से सितंबर तक टैक्स रेवेन्यू 1122 अरब और नॉन टैक्स रेवेन्यू 356 अरब रुपए रहा। जुलाई से सितंबर तक हुकूमती खराजात 1963 अरब से जायद रहे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ उमर हयात। उमर, बताइएगा दस्तावेजात में क्या कुछ दर्ज है? बिल्कुल जी, वजारत खजाना की जानब से रवा माली साल की पहली सहमाही की मालियाती रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी गई है। और रवा माली साल की पहली सहमाही में जो बजट खसारा है वो 484 अरब रुपए तक पहुंच गया है। और पहली सहमाही के दौरान बजट खसारा GDP का मनफी 1.1% रहा। रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान हुकूमती आमदनी जो है वो 1408 अरब और जुलाई से सितंबर जो है वो टैक्स रेवेन्यू 1122 अरब और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 356 अरब रुपए रहा। जुलाई से सितंबर तक हुकूमती अखराजात 1963 अरब रुपए रहे और रवा माली साल की पहली सहमाही में दिफाई बजट जो है वो 224 अरब रुपए रहा। रवा माली साल अब तक जो है वो 1879 अरब रुपए जो है वो सूद की मद में अदायगियों पर खर्च हुआ। रवा माली साल अब तक। बहुत शुक्रिया उमर हयात तफसीलात से आगाह करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।